You are watching Delhi News. PM Shija, pen parking hai. सांग ना कोण पेन पेन पार्किंग गेल चल हात लावू नको गेल चल हात लावू नको ये हां ये हां दोस्तों सेक्शन 353 आईपीसी यानी कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट पे अगर कोई हाथ उठाता है तो उस पर केस बनता है। बहुत जगह देखा गया कि इसका गलत फ़ायदा पुलिस डिपार्टमेंट बीएमसी है जो ये बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं और जो इनके अपोजिट रहते हैं वो उनको उस केस में डाल देते हैं कि इसने हम पे हाथ उठाया, इसने पुलिस के कामकाज में ये किया। एक ऐसे ही हमारे पास केस आया जिसमें आपको क्लियरली आप ये निकाल सकते हो कि देखो इसमें एक तो दादागिरी, ऊपर से 353 केस देने की धमकी भी। अभी हमारे पास हैं अब्दुल भाई, पूरा नाम क्या आपका? अब्दुल अनवर शेख। एक पार्किंग चलाते हैं और पार्किंग के वक्त पे एक बीएमसी और बड़े ऑफिसर की गाड़ी आती है तो वहाँ पर उस टाइम कोई वीआईपी मोमेंट था तो इन्होंने मना किया तो वो उसको मारा। मारने के बाद इन्होंने एफआईआर तो लिखा लिया। अब जब इनके एफआईआर लिखाने के बाद वो खुद जाके एडमिट हुआ है और बता रहा है कि मेरे को इसने मारा, यानी वही 350 का वो कार्ड खेल रहा है। बात करते अब्दुल भाई, जरा क्लियरली बताओ क्या क्या हुआ था आपके। मैं अब्दुल शेख, मॉर्निंग में फ्राइडे पार्किंग चलाते हैं जी। आप ऐसा करें, जो मैं बोलूँ उसको आप फटाफट जवाब दीजिए शॉर्ट में, ये रखिए। कहाँ पार्किंग चलाते हैं? मेरा एसके राठौड़ रोड पर महालक्ष्मी रेसकोर्स के पास मेरा पेन पार्किंग है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन है ना, एक बीएमसी का गाड़ी स्टिकर लगा हुआ गाड़ी आया था, वो लॉक करके ड्राइवर जा रहा था। मैंने उसको बोला हटाने के लिए, उसमें हटाने बोले आपने? मेरे को बीएमसी के अधिकारी ने बोला था सीएम साहब आ रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग किसी की भी नहीं रखना, साफ सफाई रहेगी। मैं उसके लिए हटा रहा था उसको। तो फिर क्या हुआ? वो लड़का हटा नहीं, गाड़ी में ऑफिसर था? नहीं था उस टाइम पे, नहीं था। गाड़ी लॉक करके जा रहा था वो। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला गाड़ी में बैठ, आगे पार्किंग कर, यहाँ पे साफ सफाई पीछे चालू था। तो वो गाड़ी की हट, वो मैं हटाऊंगा नहीं, गाड़ी नड़ गया। तो उससे मेरी थोड़ी बाचा बाची हुई, धक्कम धक्की हुई, मैं गिर गया, मुझे चक्कर आ गया, मैं जाके पीछे बैठा। उतने में वो साहब लोग को उसने फ़ोन किया, साहब लोग आए। उस साहब लोग आने के बाद उधर कुछ लोग खड़े हुए थे उसके ड्राइवर के पास, साहब उनके आंग पे जा रहा था। तो वो लोग ने बोले भाई मैम हम लोग का लफड़ा नहीं है, वो पेन पार्किंग वाला पीछे साइड में बैठा हुआ है। वो लोग से भी दादागिरी कर रहा था साहब। फिर वो मेरे पास आया और मेरे को आके मारने लगा। और उसमें ही मैं 100 नंबर पे फोन लगाया था। एक ऑफिसर ने, कौन कौन थे? एक वो लोग ने, उनके पास आईडी कार्ड कुछ भी नहीं थी, वो लोग ऐसे ही व्हाइट शर्ट पहना था, एक ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का कपड़ा शर्ट पहना था। मैंने बाद में इंक्वायरी किया, वो बागवे साहब और एक अवार्ड साहब, ये दो साहब थे। रंजन बागवे, हाँ रंजन बागवे, किरण अवार्ड, ये वार्ड के असिस्टेंट ये है, हाँ एचडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट के। हाँ फिर तो वो लोग ने मेरे को धक्कम धुक्की दिया और मैंने एक वीडियो बनाया चला है वीडियो। और बोलिए, और उसके अंदर अभी ये वो लोग पुलिस ने उनको जुमेरात की सुबह में हाँ पुलिस वाले आए, हमारे लोकल पुलिस स्टेशन के ऑफिसर आए वहाँ पे, तारदो पुलिस स्टेशन, हम लोग को लेके गए सबको। वो भी गाड़ी में था। फिर मैं उधर पुलिस स्टेशन हाउस गया। कभी की डेट है ये? 2 तारीख की। 2 तारीख, ठीक है। 2 तारीख को लेके गया, वो लोग ने मेरे पैर में लगा हुआ था मार, पुलिस वाले को बताया, पवार साहब ने, उन्होंने बोला जा ट्रीटमेंट ले पहले। मैं गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, फिर वो ड्राइवर था वो भी आया और नायरा हॉस्पिटल, हम लोग का ट्रीटमेंट हुआ। रात के 12:30 बजे मैं गया वहाँ पे, खाली अक्षय था, बीएमसी के कोई अधिकारी नहीं थे उस टाइम पे। फिर दूसरे दिन मैं गया 12 बजे, उस दिन एफआईआर का पूरा प्रक्रिया हुआ। एफआईआर साहब ने लिया 300। आपने उनको बताया नहीं था? नहीं साहब, मेरे को उस टाइम पे इन लोगों का नाम नहीं मालूम था किसी का। मेरे को दूसरे दिन मालूम पड़ा, मैंने फिर साहब को दिया। तो जब इनको वैन में लेके गए, 100 पे कॉल जाता है तो पुलिस वैन में ले जाती है। 100 पे कॉल लगा नहीं गया था उस टाइम पे, मेरा ये कट कर दिया था उसने कॉल। चलो पुलिस आ गई, पुलिस वैन में तो लेके गई। यस यस यस, पुलिस स्टेशन लेके गई थी। आपने देखा था दोनों ऑफिसर बैठे? हाँ जी हाँ जी। तो पुलिस ने उस वक्त उन लोगों का नाम नहीं लिखा कि भाई आपका नाम क्या, आपका नाम क्या है? वो मालूम नहीं मुझे। कहीं ना कहीं तारदे पुलिस पे सवाल उठता है ना कि आपके पास ये तुम भी आए थे, उन लोग भी आए थे, तो उन्होंने उनका नाम नंबर तो लिया होगा, भाई आप कौन है, आप ऐसे हाथ उठा रहे हो? नहीं एक्चुअली क्या हो गया, मैं डायरेक्ट गया ना, आपके जाने की बात नहीं हुई, आप गए मैं समझ गया, आप चले गए इलाज कराने। मगर पुलिस का तो फर्ज बनता है ना। हाँ तो साहब का लिया होगा साहब। तो इस पे अननोन पर्सन क्यों डाला?
दोस्तों पब्लिक सर्वेंट में हमेशा देखा गया है कि एक दूसरे को बचाव करने की कोशिश होती है। अभी आप देख सकते हो जो दो ऑफिसर आए थे जिनका इन्होंने वीडियो बनाया, चलो उनको नहीं मालूम था तो उनसे आइडेंटिफिकेशन ले सकते थे, आपका नाम क्या आपका नाम क्या। उन्होंने एक तरफा इनका ये बना के तो दे दिया था पुलिस ने, चलो भाई ये FIR अननोन पर्सन पे डाल दिया, तो ये सवाल होता है कि ये अननोन पर्सन पे क्यों डाला। बोलिए आगे। फिर उसके बाद जुमेरात के दिन मेरी ख्याल से उनको नोटिस गई और मुझे मालूम पड़ा कि जुमेरात की दोपहर के अंदर वो बागवे साहब है वो नायर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हाँ। और उनकी यूनियन है कोई तीन चार दिन बाद वो गए और एक यूनियन है वो कहीं ना कहीं उनको फेवर कर रही है। तो करेगी ना, आपकी यूनियन आपको करेगी, उनकी उनको करेगी। मैं तो चाहता हूँ जो हकीकत है वो लोगों के सामने आए, कोई किसी का सपोर्ट ना करे, जो हकीकत है। हाँ, फिर क्या हुआ, यूनियन फिर क्या कर रही है? मेरी ख्याल से वो लेटर, डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि मेरे ऊपर खोटा FIR करेंगे वो। वो 353 कैसे मालूम पड़ा आपको? मैं गया था ऑफिसर के पास उधर, तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने अर्जी दिया है, DCP साहब ने बोला है कि अर्जी दिया है हमारे को ये लोग ने, उसकी चौकसी कौन, अकबर पठान साहब ने, तो उन लोग ने अर्जी दिया है। हाँ, क्या इसके ऊपर 353 का केस? हाँ। तो आप पूछे नहीं अकबर पठान साहब से कि आप? तो वो इंक्वायरी उनकी चालू है जी, तो अभी कुछ पता नहीं है अभी क्या होने वाला है। आप भी तो एक वंचित बहुजन आघाड़ी में हो, आप तो आपको आपकी पार्टी से कुछ सहायता मिली है क्या? मेरी पार्टी से पूरी सहायता है, मेरी मुंबई टीम महाराष्ट्र टीम मेरे लिए खड़े रहेगी और हम लोग कोई भी कार्यकर्ता अनजान इंसान भी रहेगा हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। जब अरे तो अभी दूसरे के साथ खड़े होने की तो बात की बात, अभी तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली कैसा है कि मेरे साथ मेरी पार्टी खड़ी है, मेरे साथ 101% मेरी पार्टी स्टैंड ले रही है और कायदे से जो होगा स्टैंड लेके हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उस वक्त उसने आप लोग के खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया? वो तो पुलिस स्टेशन दोनों पहुंचे थे, उनको लगा कि सडल हो जाएगा, पार्किंग वाला है, टेंडर तो गया होगा आपका? अब मेरा टेंडर अभी कुछ दिन का ये महीने के बीच में खत्म हो जाएगा और दूसरा टेंडर है, बदला लेंगे आपसे। कायदे से आगे किसी की भी नहीं चलेगी इंशाल्लाह। सब कायदे को लेके फायदे में रहते हैं भाई, ये क्या करेंगे। दोस्तों देखिए अभी इन्होंने तो FIR लिखा दी मगर पुलिस ने अननोन लिखा है, अननोन पर्सन। ये अननोन पर्सन वही लोग हैं जो पुलिस स्टेशन में इनको वैन में बिठा के लाया गया था, तो पुलिस का फर्ज था कि कहीं ना कहीं उनका नाम लेवे। और जब आप ईमानदारी से FIR लिख रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको उन ऑफिसर का नाम डालना था कि ये दो ऑफिसर थे। अब वो दो ऑफिसर इसके ऊपर डाल रहे हैं कि भाई ये आदमी ने हमको मारा, कितने दिन बाद आज 10वां दिन है, अभी तक पुलिस में अर्जी भेज दी कि इसने हम पे ये किया। तो हमेशा 353 सेक्शन का जो है फ़ायदा जो है वो पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, जो पुलिस वाले रहते हैं, जो BMC वाले रहते हैं, जो BST वाले रहते हैं, सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो इसका फ़ायदा बहुत उठाते हैं। आप उनसे सवाल कायदा दिखा वो आपको 353 दिखाएंगे, आपको डेमोलिशन का सवाल करने जाओ उनसे कि साहब आप क्यों डेमो, वो इलीगल डेमोलिशन करने बिल्डर का साथ दे देते हैं, वो BMC वाले क्या क्या करते हैं, उनसे आप सवाल करो तो भाई हमको मारा, कौन देखा, किसने मारा, आप वीडियो देखिए किसने किसको मारा। अगर ये इसके ऊपर FIR होती है तो आपको ये 353 जो सेक्शन है उसका पूरा है असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटी रोकने के ऊपर की ये कार्रवाई होती है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई का ये प्रोविजन है। तो दोस्तों ये था हमारे अब्दुल बारी भाई, मेरी आपको सलाह है कि आप एक वकील पकड़ें और उनको बोले अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट गई है तो आप कोर्ट जाए पहले और कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल लेके आए। आपको वकील बोलेगा कि बेल नहीं मिलती है, FIR नहीं हुई, तो आप कोर्ट के सामने ऐसे ही खड़े हो जाओ, साहब मेरे ऊपर FIR नहीं हुई है, मैंने FIR किया, अब ये झूठा मेरे पे केस बना रहा है, कल को पुलिस डायरेक्ट मेरे को उठा के लेके चले जाएगी। तो बहुत सारे केसेस में 48 घंटे का नोटिस इशू कराने का, अर्थात आपके वकील को बोलो कि 48 आवर्स का प्री अरेस्ट नोटिस होता है कि पुलिस अगर ये अब्दुल के ऊपर FIR लिखती है 353 में तो तुम्हारे को 48 घंटे में कोर्ट जाने का, तो इससे आपकी बेल की जो वो रहती है वो थोड़ी आसान हो जाती है, अरेस्ट नहीं होते हो। अगर आप गुनहगार हो तो कोर्ट आपको बेल नहीं देगी, मगर अगर वकील हो तो आप प्री अरेस्ट बेल ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया गली न्यूज़ से जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको, क्या लगता है, अब ये वीडियो देखो कि इसमें गलती किसकी है। एक एक पब्लिक सर्वेंट अगर दादागिरी करता है तो उसके ऊपर कोई कलम नहीं, अगर पब्लिक अगर चिल्लम चाली कर दी तो बहुत सी जगह 353 का केस लगता है। सलीम शेख, गली न्यूज़।